ये वाला साइड बिल्कुल क्लियर है सबको? अब इस वाले साइड पर आओ और इन दो सेंटेंसेस को देखो। कारपेट खुद ब खुद पड़ा रहा है कई दिनों से यहाँ। द कारपेट हैज लेन, या दूसरा कोई एजेंट नहीं है। द कारपेट हैज लेन ऑन द फ्लोर, तो भी सेम है। द कारपेट हैज लेन ऑन द फ्लोर फॉर मेनी डेज नाउ। क्लियर हुआ? और इस वाले को देखो, आई हैव लेड द कार्पेट। अब तुम इस पे चल सकते हो, मैं और ये कार्पेट। अगर इसमें मैं और मेरा आता हूं, आई हैव लेड है ना माई बैग और कहीं गई, तो भी तू बिल्कुल। I laid my head on my mother's shoulder. मैं और मेरा सर। I laid my head on my. Now see here. I laid the carpet. I laid the carpet. No, on the floor. He lay, second form. He lay. अब अगर तुम इन दो sentences को देखो ना, तो तुम्हें लगेगा यहाँ पे भी तो आई और कारपेट है और यहाँ पे भी तो he और बेड है। तुम्हें लगेगा, look at the preposition. Look at the preposition. Understood? He lay on the bed. The keys lay on the table. Preposition. The keys, जो मैंने लिखा है वो समझ में आया या नहीं? बस the keys lay on the table. The files, your files lay on the table. खुद ब खुद ये खुद ब खुद लेता है, जैसे ये कारपेट लेता था ना, पड़ा था ना फर्श पे। The carpet has lain here, उस तरीके से। Here you are saying, I laid the carpet, he lay on the bed, the keys lay on the table, your files lay on the table, I laid the files on your table. I laid the files. देखो इसमें तीन चीजें हैं, एक ले करने वाला, एक तो वो है, दूसरी है ले की गई चीज, और तीसरी है कहां पर। जैसे आई लेड द फाइल्स, नंबर टू फाइल्स, तीसरा ऑन द टेबल। तीन हो गए ना, आई लेड द फाइल्स ऑन द टेबल, यही आया। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि योर फाइल्स ले ऑन द टेबल। फाइल खुद ब खुद टेबल पर पड़े गए, ये सेकंड फॉर्म आ गया, लाई का सेकंड फॉर्म। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? ये प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा, इसको कोई रास्ता नहीं है एक्चुअली, कितना ही मैं समझा दू। यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस वो सेंटेंसेस, तभी बैठ पाएगा। इज इट क्लियर? जब तक अगर चेयर को बाहर पड़ा हो कंफर्टेबली तो ले आओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, तो ले आओ, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दिस क्लियर? अब हम जो हमने पीडीएफ डाला है उसको देख लेते हैं, और कल वाले बचे हुए सेंटेंसेस देख लो, कल वाले देख लो पहले, और फिर हम बचे हुए सेंटेंसेस देख लें। कल वाला होमवर्क हो गया था? नहीं मिला था। तुमने जया इसको ग्रुप में ज्वाइन करो,
फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में डाल दो इसको कल्पना शेयर करते कल वाले सेंटेंसेस हमने यहां तक लिया था सेंटेंस बताओ मेरे पास नंबर नहीं है The hen lays eggs. Agla hai he dash on the sofa since morning. He lies so habitual ho jayega. He's lying on the sofa. Lying on the sofa. He has been lying on the sofa. Both are correct. हाँ, लेटा हुआ ही तो है. हाँ, वो नहीं. उसको doubt है तो उसको पूछ ले दो. नहीं वो पीछे time की दूसरी की देख रही है. क्या देख रही है? Since morning लिखा हुआ है ना. हाँ. ये थोड़ी पूछ रही है वो पूछ रही है प्रेपोजिशन तुम इसमें ये देखो प्रेपोजिशन आया ना ये कौन सा फॉर्म है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है द कीज ले ऑन द टेबल फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है वर्ब ये आपका वर्ब सेकंड फॉर्म है ये देखो ये सेकंड फॉर्म है आई लेड द कारपेट इसका फर्स्ट फॉर्म है आई ले और वो ले हैबिचुअल के लिए आता है तुम लोगों को क्लियर नहीं है अभी जो ले है ना तुम्हारा आई ले मैंने ऊपर दे रखा है ना आई ले द टेबल एवरी डे फर्स्ट फॉर्म है और यहां यहां पर आई ले सेकेंड फॉर्म है ये सेकेंड फॉर्म है और ये सेकेंड फॉर्म है दिस इज फर्स्ट फॉर्म कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म इधर का सेकेंड फॉर्म है और तुम उसको देख के पहचान नहीं पा रहे कि ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है सारे सेंटेंसेस दोबारा बोलो और पहले ये ले वाले बीमारी को दूर करो फर्स्ट डिसाइड वेदर इट इज सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आपको ये तय करना है खुद ब खुद लेटा है खुद ब खुद लेटा है या हैबिचुअली वो वाला ले द टेबल ले द फाइल ये सब आई ले द फाइल्स आई ले द टेबल ये पहले काम करो मैं और एक दूसरा एजेंट बीच में ले देखो सेंटेंसेस देखो तुम नहीं ढूंढोगे अभी देखो एक्सरसाइज क्योंकि करना पड़ेगा नहीं करोगे ना तो ये एंड तक बीमारी रह जाएगी देखो आई ले द टेबल एवरी डे आई ले द टेबल एवरी डे अगला इट इज माई जॉब टू ले द ब्लैंकेट ओवर द बेड द मेसन कारीगर MASON The mason lays bricks. LAYS lays bricks. The mason
lays bricks. फिर अगला आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल फुल स्टॉप आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई ले माय बुक्स ऑन द टेबल I lay my books on the table every day. Every day. Agla. He. Lays the cloth over the counter. He lays the cloth over the counter. Agla. She lays plastic sheets, plastic, P-L-A-S-T-I-C, plastic sheets, S-H-E-E-T-S, on the shelf, on the shelf. Agla. He lay on the bed for a while. He lay on the bed for a while and then got up. Agla, the books. और तीसरा लिखो ही लेज द ब्लैंकेट ऑन द बेड एवरी डे ही लेज द ब्लैंकेट ऑन द बेड एवरी डे ही लेज द ब्लैंकेट ऑन द बेड एवरी डे ही लेज का मतलब क्या हुआ यहाँ तो ले सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस उसमें एस काय को लगेगा एस तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगेगा आई लाई यू लाई ही लाइज पास्ट टेंस आई ले यू ले ही ले खुद लेकर रहा ही ले ऑन द बेड अच्छा आज रात को मैं टैपिंग करा रही हूँ टैपिंग फॉर मेंटल क्लैरिटी यू ऑल कम टू दिस All of you come today. इतना कर चुके हो कि वहाँ पहले इतना कुछ भरा हुआ actually, जैसे जाने देना ही है. तो कहाँ से आए clarity? Now listen. इधर का जो second form है, वो habitual action नहीं है. वो कुछ समय का action है जो past में किया गया.
और इधर वही LAY फर्स्ट फॉर्म है जो हैबिचुअली हो रहा है, ये डिफरेंस है, समझ में आई? अभी हमने लिखा ही ले ऑन द बेड फॉर अ व्हाइल, है ना? द फाइल्स ले ऑन द टेबल, ले ऑन द टेबल unheeded, 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 यानी किसी का ध्यान ही नहीं गया उनकी तरफ. The keys lay on the table unnoticed. The keys, KEYS, lay on the table, lay on the table unnoticed. The keys lay unnoticed. अगला लिखो, the keys lay unnoticed by anyone. पढ़े रहे? Unnoticed by anyone. नमस्ते. समझ में आए? जाते हैं. समझते कर रहे हैं. नमस्ते. The keys lay unnoticed by anyone. Unnoticed by anyone. Is this clear to you? समझ में आ गया? हाँ. अब सारे सेंटेंसेस को रिव्यू करो जो अभी मैंने लिखाया है और टेंस बताओ. तुम लोग सब इंडिविजुअली करो, पहले 5 मिनट का टाइम है. मैं पालू दे रही हूँ तब तक तुम इसको करो. आज ही करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बीमारी बन जाए. आई डोंट नो द सेंटेंस. आई ले द टेबल एवरी डे फर्स्ट फॉर्म है. मैं और टेबल, मैं और टेबल एवरी डे हैबिचुअल है. अब तुम्हें क्या करना है, जहां भी ले आ रहा है चेक करो कि ये हैबिचुअल है, जहां भी ले आ रहा है. सेकंड, ये मेरा काम है रोज ब्लैंकेट को पलंग पर लगा. फर्स्ट फॉर्म हैबिचुअल, फर्स्ट फॉर्म. अगला, आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल द मेसन लेस ब्रिक्स, हैबिचुअल है ना. फर्स्ट फॉर्म थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने एस लगाया. अगला, लेटा था,
बेड। देखो पहले वाले सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में थोड़ा सा याद ध्यान करो, आई ले द टेबल एवरी डे, मैं और टेबल हैबिचुअल एक्शन, मैं और किताबें हैबिचुअल एक्शन, मैं और प्लास्टिक शीट्स हैबिचुअल एक्शन, है ना, यही है। मैं प्लास्टिक शीट्स बिछाती हूँ ऑन द शेल्फ, शेल्फों पर। आई ले फर्स्ट फॉर्म प्लास्टिक शीट्स ऑन द शेल्फ, परंतु चाबियां खुद ब खुद पड़ी रही, सेकेंड फॉर्म हो गया, हैबिचुअल नहीं है, पड़ी रही चाबियां, पड़ी नहीं हुआ। द कीज ले, यहाँ पर दो दो लाइनें हैं ना, जैसे मैं और प्लास्टिक शीट, मैं और टेबल, मैं और किताबें, शिवानी मैं और किताबें, मैं और प्लास्टिक शीट, मैं और चाबी, ऐसे दो नहीं है, है ना। इससे चाबी पड़ी गई, फिर प्रेपोजिशन द टेबल, फाइल पड़ी गई, सेकंड फॉर्म प्रेपोजिशन टेबल, ये सेकंड फॉर्म है। क्लियर हुआ या नहीं राहुल, पीछे सबको, चलो आगे। और कुछ है तो वो लेस क्यों गलत है समझ में आ गया सलोनी को, क्योंकि ही ले समथिंग नहीं है, खुद ही जाके लेट गया पलंग पर, इसलिए ले आएगा सेकंड फॉर्म बन कर आएगा। गलत है ना, चम्मच रखा, अपने टेबल ले किया, है ना,
शीट्स और प्लास्टिक के शेल्फ पर ले करते हैं, हैबिचुअल न्यूज़पेपर बिछा देते हैं, प्लास्टिक की शीटें लगा देते हैं, ये सब फर्स्ट फॉर्म चल रहा है। जब हम इनकी पास्ट में बात करते हैं तो वो लेट हो जाता है ना। चलो can we do the sentences? Your clothes are lying on the floor. Tumhare kapde zameen par pade hue hain. Your clothes lie on the floor. Ye bhi correct hai. Jab dekho wahi pade rehte hain. Your clothes lie on the floor. Lying. Khud par khud pade rehna. तुमने डाल दिया उतार के, उसके बाद तो वो खुद ब खुद पड़े जैसे कारपेट। कटाव स्थित होना, शहर का स्थित होना। कटाव लाइज भी हो सकता है, ले भी हो सकता है। टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर स्थित होना। Dash all the articles on the shop counter. Laid. He laid. Second form. Last night. Dekhi kya aayega? Kya aayega isme? इतना गंदा सा मुंह बना के बैठे, तेरे को समझ से नहीं आ रहा तो पूछ ले भैया। तो मैं कहाँ तक तुम लोग के चेहरे पढ़ती रहूँ? मैं तो कुछ तो कहो ना, मैं इतनी देर से समझा रही हूँ। जहाँ नहीं समझ में आ रहा था मुझे वही रोकते थे कि मैं दोबारा करा दो। अब क्लास इतना करने के बाद कहो पूरा ही समझ में नहीं आया। Then I will lie down. काम खत्म। निक्की कहाँ से समझ में नहीं आया? तुझे ये समझ में आ गया? लाइव में लाइव में कुछ भी मिक्स नहीं हुआ, कल भी मिक्स हो रहा था। तुम पूरा देख लो और इस एक्सरसाइज को देखो, फिर भी डाउट हुआ तो बता देना। कल तो नहीं कराऊंगी, आगे पीछे कभी रिपीट करा है ना। तुम भाई चल देखो एक बार, जितना भी समझ में आ रहा कर लो, क्योंकि अब मैं इसको खींच नहीं सकती। मुझे कल मेडिक स्टार्ट करना, तो मैंने एक्सरसाइज पूरा लंबा चौड़ा 34-35 सेंटेंसेस दे रखे हैं। सेट टू इट एट होम एंड यू कैन डिस्कस इट ऑन योर ग्रुप है ना। तो मैं आंसर ग्रुप में मिल जाएगा और आगे पीछे हम कर लेंगे। करो। लास्ट नाइट आ गया ना। सेकंड फॉर्म ले अवे फॉर आवर्स अनेबल टू स्लीप। पुलिस ने उसको कहा अब ना बंदूक नीचे रखो। टू ले हिज गन डाउन। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा ना। टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा ना शिवानी। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसने गलत बोला। टू ले फर्स्ट फॉर्म वर्ब आफ्टर टू। आई हैव, अगर मैं खुद लेती हूँ तो लेन आएगा। मैं खुद नहीं लेती, मैंने कारपेट बिछा दिया है। थर्ड फॉर्म भी लेड है। आई हैव लेड द कारपेट, यू कैन वॉक ऑन इट नाउ। क्लियर हुआ? ही फेल्ट सिक एंड वॉन्टेड टू फर्स्ट फॉर्म टू
the bed. क्यों क्यों wanted to lie on the bed? खुद ही तो लेटना चाहना था, किसी चीज को बिछाना थोड़ी चाहना था. इस sentence का मूल लिखो, इस sentence का मूल लिखो. उसे अजीब सा लग रहा था, he felt sick. नेहा तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम वहां कहीं आ जाओ, मैंने जल्दी से तुम्हें यहाँ बिठा लिया, पंखे के नीचे आ गया. दिव्या भी परेशान हो रही होती, वहां नहीं थी. तुम लोग इस तरफ आके बैठ जाते ना, थोड़ा पंखा. देखो उसको अजीब सा लग रहा था और वह लेटना जा रहा था. वो किसी चीज को बिछाना नहीं चाह रहा था, जमाना नहीं चाह रहा था, वो तो लेटना चाह रहा था. लेटने के सेंस में लाई या सेकेंड फॉर्म ले आएगा. लेटने के सेंस में या तो लाई आएगा या सेकेंड फॉर्म ले आएगा. अभी तो एक घंटा क्लास हो रहा है, तुम लोग थोड़ा एडजस्ट होके बैठ जाओ, कोई बात नहीं. नेहा कम किया, दिव्या तू इधर आ जा, इधर आके लगा ले, उधर से घूम किया, मेरा फोन मत गिरा देना. निक्की तुझे भी गर्मी लग रही, तू इधर आ. नेहा कम किया, हद से फील फील बेटर. एक तो बस पे बैठ के बूंदी से आओ, फिर यहाँ तपो ऐसे. बस मेरा कैमरा बंद चला. My dog always lies on this mat. अब ये देखो,
yesterday bhi jodo isme. He lay here all day yesterday. Yesterday bhi jodo. Yesterday ki bina galat ho jayega. Lag raha hai? He lay here all day. She comes just a moment. He lay here all day yesterday. और अगर मैं कहना चाहूँ ना कि वो दिन भर से यही पढ़ा रहा है. He has third form क्या है laid. He has laid here all day. Yesterday नहीं आएगा. He was lying तब आएगा जब yesterday हो. या तो मैं कहूँगी he has laid here all day. He has been lying here since morning. Has been lying here since morning. वो सब आपको tenses में समझ में आएगा. नहीं लगा सकते क्योंकि he was lying नहीं, he lay here. Was कब लगेगा जब उसके साथ दूसरा कोई action हो. He was lying here when the thieves entered. कहते he was lying here when the thieves entered. क्या समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लो ना आयुष. कुछ तो डाउट है. लिसन आयुषी पूछ रही है. लिसन सही पूछ रही है क्योंकि एक को डाउट होता है तो वो किसी को भी डाउट हो सकता है. आज नहीं तो तुम्हें चार दिन बाद डाउट आएगा. वो कह रही है मुर्गी खुद ही तो अंडे दे रही है पर मुर्गी अंडे थोड़ी है. मुर्गी अलग है अंडे अलग है. मुर्गी अलग है अंडे अलग है. और अंडे देने का काम इंग्लिश में लेज है लाइज नहीं. बाकी सब जगह खुद लेट रहा है. लेट ना लाइज है ना. लेट खुद लेट ना चाहे मैं लेट हूँ चाहे तुम लेट हो चाहे वो लेट है सब लाइज है. Is this clear? चलो after the air crash, plane crash के बाद मलबा the wreckage lay all over the place. After the air crash, the wreckage lay all over the place. Wreckage is malba. She not bad. The wreckage lay all over the place. अगला उसने बच्चे को she वो अलग और वहाँ पर she उसने किया yesterday. She laid the baby in its cradle. उसने बच्चे को पालने में लेट आया. क्या she lays the baby in its cradle आ सकता है. आ सकता है बिल्कुल आ सकता है. she lays the baby in its cradle. she laid the baby दोनों आठ ऐसी नहीं दी. अब ये 34 sentences जो हैं dash his keys on the table. तो habitual action है तो he lays his keys on the table. और अगर उसने कल ऐसा किया ऐसा he laid his keys on the table. रोज ही आके वो टेबल पर ही रखता है he lays his keys on the table. अब ये 34 सेंटेंस और कर लो तो तुमको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा. If you want a 2 minute break, you can take a break. 2 minutes.